खबर जबलपुर से है, जहां जबलपुर के बरगी से कांग्रेस विधायक संजय यादव के बोल बिगड़ गए। विधायक ने खुलेआम नगर निगम प्रशासन को धमकी दे दी कि वह प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा कर लेंगे। बरगी विधानसभा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 72 के नागरिकों को पीएम आवास न मिलने से विधायक नाराज है। दीपावली के बाद तेवर में बन रहे मदन महल विस्थापितों के पीएम आवास पर कब्जा करने की बात विधायक संजय यादव ने की है और वह आवास वार्ड क्रमांक 72 और बरगी विधानसभा के लोगों को देने का आश्वासन दिया है। नंबर 72 का कुछ हिस्सा बरगी विधानसभा में आता है, लेकिन वार्ड नंबर 71 में जो जबलपुर नगर निगम की सीमा में है, हम लोग दुर्भाग्यशाली हैं कि जब से नगर निगम में शामिल हुआ, जब से कोई भी सुविधाएं वहाँ नहीं होती, चाहे तेवर का परसवारा हो, चाहे अधुआ हो, चाहे कुगमा हो, चाहे बादन हो और चाहे तेवर का हिस्सा हो। यहाँ 5 किलोमीटर नर्मदा पास में है, आज तक वहाँ पानी नहीं पहुँचा। सफाई के नाम पे कभी झाड़ू नहीं लगती, नालियाँ गंदगी बजबजाती रहती हैं, घरों में पानी घुस जाता है बरसात में, जिससे डेंगू मलेरिया फैल रहा है, लेकिन नगर निगम कहीं नहीं देखता। परसवारा में तो घुटने घुटने भर गड्ढे हैं कि परसवारा में भी कोई जा नहीं सकता। माननीय मुख्यमंत्री की वहाँ कार भी फंस चुकी, लेकिन नगर निगम को अनेकों बार जनता की मांग पर मैंने ज्ञापन दिए, कमिश्नर साहब को ज्ञापन सौंपे, उसके बावजूद भी नगर निगम ने आज तक कोई काम नहीं किया है। ना ही बिजली, ना ही पानी, ना ही सड़क और ना ही आवासीय योजना का लाभ। आवासीय योजना का लाभ किसी तेवर में प्रधानमंत्री आवास का लाभ अभी तक नहीं मिला, और जो कि जो पहाड़ी खाली हुई थी मदन महल की, उनके लिए आवास बनाने का काम तेवर में सरकार ने किया है, लेकिन जो तेवर में बरसों से रह रहे, 100 सालों से 200 सालों से रह रहे, उनको आवास उपलब्ध कराने का नाम काम नहीं किया है। आज हम लोग एक चेतावनी पत्र देने आए थे कि अगर हमारे तेवर वालों को, वार्ड नंबर 71 वालों को, जो भी बस्ती हो, चाहे परसवारा हो, अंधुआ हो, कुगमा हो, तेवर हो, चौकीताल हो, या हमारा लमती का क्षेत्र हो, या पूरा 72 नंबर का वार्ड हो, इस इलाके में अगर प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध नहीं कराए गए, तो जो तेवर में मदन महल वालों के बन रहे, उसमें हम अपने यहाँ के लोगों का दिवाली के बाद कब्जा करा देंगे, आधी अधूरे बाकी छपाई हम करवा देंगे, लेकिन अगर हमारे यहाँ के लोगों को आवास आवंटित नहीं हुए, तो हम सबका खुद डेरा ले जाके अपनी गाड़ी से कब्जा कर देंगे। संजय भैया संघर्ष। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए जबलपुर से प्रवीण नामदेव की रिपोर्ट।